107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड। शुभांगी लेकर रही है आज आपके लिए 2 बजे तक हमारी ये महफिल हर रोज सचती रहती है और आज शुभांगी आपके साथ। शैलेंद्र जी को याद कर रहे हैं हम, 12 बज चुके हैं, 30 अगस्त गीतकार शैलेंद्र जी की जन्मतिथि है, बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, और इसीलिए शैलेंद्र जी के गाने लेकर आई हूँ आपके लिए। और इसके बाद का गाना जो मैंने चुना है 1953 की फिल्म है आ, लता जी की आवाज़ है। और ऐसे रोमांटिक गाने लिखते हुए ना शैलेंद्र जी की कलम कुछ ज़्यादा ही शालीनता से सच कर आती है। फीमेल के लिए जब लव सॉन्ग लिखना है, रोमांटिक गाना लिखना है, और वो भी अगर प्यार का इजहार कर रहा है, फिर वो अपने आप से हो या चाहे हीरो से हो, लेकिन जब वो प्यार का इजहार है, इकरार है, तो शैलेंद्र जी इतना शालीनता से, इतनी नज़ाकत से लिखते हैं कि ऐसा लगता है ना कि ये शब्द कहीं हाथ जोड़कर तो नहीं खड़े हो जाते थे उनके सामने कि हम आपकी कलम से उतरना चाहते हैं, ऐसा कहकर। कितना सुंदर इसमें जो लिखा है उन्होंने, गौर से सुनिएगा। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब भी हम गीतकार की बात करते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना है, उन बोलों को गौर से सुनना है। मेरे दिल में कितना प्यार है, कितना प्यार मैं करती क्यों, वो इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। गाने को अगर आपने ध्यान से सुना है ना, तो पूरा एक एक अंतरे में, आखिरी अंतरे तक जब ये जाता है गाना, तो पूरे जर्नी उसमें है कि कैसे कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल, और फिर आखिरी अंतरे में वो
कहती है कि हाय रे मीठा दर्द जिगर का, हाय रे पहला पहला प्यार। और तब शंकर जयकिशन ने उसकी ट्यून भी वैसे बनाई है, हाई पिच में जाता है वो। और वो मुझे ऐसा लगता है ना कि शुरू शुरू में जैसे जैसे वो जो जैसे जैसे उन्होंने लिखा है वैसे ही शंकर जयकिशन ने जो उसको ट्यून में ढाला है ना, ये होता है मेड फॉर ईच अदर। ये जैसे बोल उस धुन के लिए और धुन उस उन बोलों के लिए ही बनी हो, ऐसा लगता है। गीतकार और संगीतकार का जो आपस में रिश्ता होता है, उनका जो बॉन्डिंग होता है, वो भी तो इससे पता चलता है। अब इसके बाद शैलेंद्र जी की लिखी हुई 3 गजलें मैंने चुनी है। अब ये कौन सी है? अब देखिए, ये कई कई बार सुना हुआ गाना है दरअसल। गजल को हम गीत कह सकते हैं, लेकिन गीत को हम गजल नहीं कह सकते हैं। और ये दोनों ही गजलें जो है वो पतिता से है। कभी ध्यान गया होगा, नहीं गया होगा, या इस नजर से नहीं सोचा होगा, तो अब सोचिए, अब सुन लीजिए। पहले पतिता की दोनों गजलें हो जाएंगी, एक लता जी की आवाज में और दूसरा तलत जी की आवाज में, और उसके बाद अनिल बिस्वास की बनाई गजलें। छोटी छोटी बातें फिल्म का नाम है। तो पहले पतिता की दोनों गजलें हो जाएं, अब सुन के आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये गजल है, तो अब सुन लीजिए। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हैं, सबसे मधुर
वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं। है सबसे मधुर वो भी कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं। है सबसे मधुर वो जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो के सवेरा दूर नहीं, समझो के सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो के सवेरा दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं। है सबसे मधुर वो भी पहलू में पराए दर्द बसा के, हंसना हंसाना सीख जरा तू, हंसना हंसाना सीख जरा। पहलू में पराए दर्द बसा के, हंसना हंसाना सीख जरा तू, हंसना हंसाना सीख जरा। तूफान से कह दे गिर के उठे, हम प्यार के दीप जलाते हैं, हम प्यार के दीप जलाते हैं। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। सबसे मधुर होगी ये सुनने के बाद आपको ऐसा लगा तो जरूर होगा कि अरे ये गजलें हैं, ये पता नहीं था। वैसे ये जो गजल आपने सुनी तलत जी की आवाज में, उसके पीछे एक छोटी सी याद, छोटी सी कहानी या छोटा सा किस्सा है कि शैलेंद्र जी इंग्लिश कवियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिनमें से कीट्स, बैरन और शेली, ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो शैली की एक कविता, उससे प्रभावित होकर शैलेंद्र जी ने पतिता की ये गज़ल लिखी जो अभी अपने तलत जी की आवाज़ में सुनी। अब इसके बाद ये जो गज़ल मैंने चुनी है अनिल दा के लिए लिखी है, मीना कपूर की आवाज़ है और फिल्म है छोटी छोटी बातें। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। कुछ और जमाना कहता है,
कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात समाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की, कुछ और जमाना कहता कहता है इंसाफ मोहब्बत सच्चाई, इंसाफ मोहब्बत सच्चाई वो रहम करम के दिखला, कुछ कहते जुबा शर्माती है, कुछ कहते जुबा शर्माती है, पूछो ना जलन मेरे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। बूतों से क्या कीजे, पत्थर के बूतों से क्या कीजे, फरियाद भला टूटे दिल की, कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात समाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की, कुछ और जमाना कहता है। हो इसके बाद क्या कहे, स्पीचलेस हो जाते हैं बिल्कुल। ये जब जब सुनती हूँ मैं, तब तब मेरी तो ऐसी हालत होती है, और मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। शैलेंद्र जी की कलम ही ऐसी, और ऊपर से अनिल दा का संगीत, क्या कहने। शैलेंद्र जी के लिए हिंदी के एक बहुत बड़े कवि नागार्जुन ने लिख रखा है कि जहाँ कहीं भी अंतर मन से ऋतुओं की सरगम बूनते थे, जहाँ कहीं भी अंतर मन से ऋतुओं की सरगम बूनते थे, ताजे कोमल शब्दों से तुम रेशम की जाली बूनते थे। कितना सुंदर और सही लिखा है। इसके बाद जो गाना, दरअसल मैंने दो नहीं नहीं तीन सुनवाना चाहती हूँ, ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे गाने लिखना किसी भी गीतकार के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता होगा, ये बात बड़ी चैलेंजिंग रहती होगी कि ऐसी कोई खास सिचुएशन नहीं, या तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि जब टाइटल्स आते हैं, फिल्म शुरू होती है तब वो गाना आता है, या तो कोई स्टेज परफॉर्मेंस है तब वो गाना आता है, या कहीं जुगलबंदी है तब वो गाना आता है। तो फिर ऐसे में कोई ऐसी खास सिचुएशन नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और फिर अभी, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में क्या लिखा जाए, इसीलिए ये बहुत मुश्किल होता होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लेकिन ये हमें लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन इनके लिए क्या मुश्किल भाई, जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मैंने चुना है, फिल्म है बसंत बहार। हाँ, अब ऐसा लगा होगा ना कि अरे हाँ, यही तो लगा था हमें भी। हाँ, तो चलिए, बसंत बहार का ही है ये गाना, पंडित भीमसेन जोशी जी और मन्ना डे की आवाज़ में। और
जितने भी क्लासिकल गाने लिखे हैं ना शैलेंद्र जी ने, उनमें से मुझे ये गाना खास तौर से ऐसा लगता है कि कोई शास्त्रीय बंदिश या चीज जिसे कहते हैं, या जो जो मतलब संगीत जानते हैं, शास्त्रीय संगीत जानते हैं, उन्हें ये शब्द मालूम होंगे कि दृढ़ चीज कहते हैं या फिर बंदिश कहते हैं या सिर्फ चीज कहते हैं। तो ऐसे बोल हैं इस गाने के कि जो एक कवि ने, जो पहले कवि थे बाद में गीतकार बन गए, तो फिल्म के लिए लिखा है, सुनते हुए लगे हमें कि अरे ये कोई वाकई क्लासिकल चीज़ हम सुन रहे हैं, ऐसे बोल हैं बड़े कमाल के। और उसके बाद आम्रपाली, और उसके बाद सौतेला भाई अनिल बिस्वास। की गुलाब जूही चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गौरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, गल गल कुंज कुंज गल गल कुंज कुंज गुन गुन भारो की गुंज, राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, गेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, गेत की गुलाब जूही गेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, बन फूले ऋतु बसंत अपनो कंत गोदी गरवा लगा, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, पी के संग झूले, केत की गुलाब जो ही चंपक बन फूले, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोदी, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी रसा ददनी रसा मदनी रसा निद पा मगग निग मगर सा सम मनी ददनी नि निमा मनी निमा गद मदनी ददनी मगर मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बदियों से गोर चित चुराए हंसत जाए, चित चुराए हंसत जाए, चोरी कर सिर झुकाए शीश झुके चल चल लट गालन को छूले, गालन को छूले, केत की गुल
भोला बुजूर चंपक बन फूले केत की गुलाब जू चंपक बन फूले केत की गुलाब जू जाओ रे जोगी तुम जाओ रे जाओ रे जोगी तुम जाओ रे ये है प्रेमियों की नगरी यहाँ प्रेम ही है भूला जाओ रे जोगी तुम जाओ रे ये है प्रेमियों की नगरी यहाँ प्रेम ही है भूला
वाकई जैसे क्लासिकल की महफिल सजी हो। अनिल दा का गाना सुन रहे थे आप, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, फिल्म सौतेला भाई से। ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी, गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी, गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। शैलेंद्र जी के गाने सुनते हुए ना पता नहीं चल रहा है कि कैसे समय भाग रहा है। 30 अगस्त बर्थ एनिवर्सरी है शैलेंद्र जी की। आज शुभांगी आपके लिए लेकर आई है शैलेंद्र जी के लिखे हुए कुछ गाने, और इसके बाद SD बर्मन और उसके बाद RD बर्मन। हाँ, RD बर्मन के लिए जो गाना लिखा है वो है छोटे नवाब से, लता जी की आवाज़ है। और उससे पहले मुनीम जी का गाना SD बर्मन के लिए जो लिखा है शैलेंद्र जी ने। जैसे मैंने कहा कि मेरी ये पूरी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगीतकारों को मैं शामिल करूं, शंकर जय किशन के अलावा भी जिनके लिए लिखा है शैलेंद्र जी ने। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स शैलेंद्र जी ने जो शंकर जय किशन के लिखा है बहुत ज़्यादा है, तो गाने तो ज़्यादा होंगे ही। लेकिन चलिए, ये अब मुनीम जी, SD बर्मन। Thank you.
लौटे ना, आपको ये गाना सुन रहे थे संगीतकार आरडी बर्मन, याद कर रहे हैं हम गीतकार शैलेंद्र जी को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी 30 अगस्त। 12:44 होना चाहते हैं शुभांगी आज आपके साथ शैलेंद्र जी के गानों के साथ। और इसके बाद जो दो गीत मैंने चुने हैं, एक है अनुराधा से, पंडित रविशंकर संगीतकार है, लता जी की आवाज़ है, और उसके बाद शंकर जयकिशन का गाना है दिल एक मंदिर से, रफी साहब की आवाज़ है। इन दोनों ही गीतों में शैलेंद्र जी ने कुछ ऐसे जज्बात खोल कर लिखे हैं ना, बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ हाँ यही तो हम कहना चाहते हैं, मुझे यही तो कहना है, ये मेरी फीलिंग्स है, ऐसा हर किसी को लगे, ऐसी उनकी कलम थी। कुछ गाने महसूस करने के लिए होते हैं, ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ ना, उनमें से ही ये दो गाने, पहले अनुराधा और उसके बाद दिल एक मंदिर। जाए बीते दिनों की
जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए याद न जाए बीते दिनों की जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता पालता उनको जतन से पालता उनको जतन से मोती के दाने देता सीने से रहता लगाए याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे मन में बसी ये मूरत मन में बसी ये मूरत लेकिन मिट्टी न मिटाए कहने को है वो पराए याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल याद न जाए बीते दिनों की क्या बात है क्या बात है। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता पालता उनको जतन से मोती के दाने देता सीने से रहता लगाए यही लगता है हमें भी आपको भी हम सबको यही तो लगता है बीते हुए दिनों को जब हम याद करते हैं अक्सर यही तो होती है हमारी भी फीलिंग्स जो भी होती हैं लेकिन वो हम इस तरह से लिख नहीं पाते हैं उसकी हम कविता नहीं बना पाते उसका हम गीत नहीं बना पाते हैं लेकिन वो ताकत शैलेंद्र जी के पास है और इसमें जो ऑर्गन बजाए अरे बाप रे मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो इंट्रो है इसका और उसका गाना खत्म होता है तब भी जो उसका अरे बाप रे क्या इस्तेमाल किया है। आहा इसके बाद का गाना सुनाओ उससे पहले थोड़ा सा कहना चाहती हूँ शैलेंद्र जी के बारे में। एक गीत में वो कहते हैं चल पड़े दर्द पीकर तो चलते ही रहे हार कर बैठ जाने से इनकार था। और एक गीत पे वो लिखते हैं दुनिया भी चांद सूरज है कितने हसीन उतना ही सुन मेरे भैया दिल को लुभाए रुपया। आ हा हा दोनों गीत बिल्कुल ऑपोजिट मूड के हैं पर कितनी सच्चाई है कितनी ताकत है इन शब्दों में। दिल को लुभाए रुपये तब की भी बात थी और आज की भी यही बात है। कठपुतली
मिनी मिनी चीची मिनी मिनी चीची मिनी मिनी चीची दुनिया में चांद सूरज हैं कितने हसीन उतना ही सुन मेरे भैया दिल को लुभाए रुपया दुनिया में चांद सूरज हैं कितने हसीन उतना ही सुन मेरे भैया दिल को लुभाए रुपयों का चश्मा चढ़ाओ ये दुनिया दिखेगी रंगीली सारे नशे इसके नौकर ये है चीज ऐसी नशीली ये चमचम इसी की चमचम इसी की गाए इसी को गवैया ये चमचम मिनी मिनी चीची मिनी मिनी चीची मिनी मिनी चीची मिनी मिनी चीची दुनिया में चांद सूरज है कितने हसीन उतना ही सुन मेरे भैया भाई रुपया दुनिया में सपनों सी रंगीन रातें जैसे के आई दिवाली कल का भला क्या भरोसा रहेंगे मालिक या माली हंसा के रुलाए रुला के हंसाए यही जिंदगी का रवैया मिनी मिनी चीची मिनी मिनी चीची मिनी मिनी चीची मिनी मिनी चीची दुनिया में चांद सूरज है कितने हसीन उतना ही सुन मेरे भैया लुभाए रुपया दुनिया में चांद सूरज कितने हसीन उतना ही सुन मेरे भैया लुभाए रुपया दुनिया में अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी सवा लाख की लाटरी भेजो अपने पैसे
पैसे पैसे को जवानी मेरी तरसे, पैसे पैसे को जवानी मेरी तरसे, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, कब जाएगी गरीबी मेरे घर से, कब जाएगी गरीबी मेरे घर से, हो मेरे घर से। तुम्हारे पापा हेर फेर करने वाले राम जी, 2,25,000 की लॉटरी भेजो अपने पे नाम जी, 2,25,000 की लॉटरी भेजो अपने पे नाम जी। अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 2,25,000 की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 2,25,000 की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। ऐसी कड़की में ये बोझा दो जनों का, ऐसी कड़की में ये बोझा दो जनों का, आधा साझा हुआ थोड़े से जनों का, आधा साझा हुआ थोड़े से जनों का, कभी आया ना वो दिन सपनों का, कभी आया ना वो दिन सपनों का, सपनों का। अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 2,25,000 की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 2,25,000 की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। अरे तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 2,25,000 की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 2,25,000 की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। आकाशवाणी FM रेनबो चोरी चोरी का ये मजेदार गाना आप सुन रहे थे। किसके लिए लिखना है गाना, स्क्रीन पर कौन गाने वाला है, किस पर फिल्माया जाने वाला है। अब ये गाना हीरो हीरोइन के लिए तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो कौन गाने वाला है, किस पर फिल्माया जाएगा, क्या लिखा है। हर किसी को ऐसा लगता है ना, आम लोगों का सपना है ये 2,25,000 की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, ये आज भी सपना देखा जाता है ना। सुन रहे आप रेनबो रिवाइंड।